हमेशा से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पीडीपी ने और उसके साथ साथ कांग्रेस ने जम्मू के साथ जो था भेदभाव किया है। आज की डिलिमिटेशन हम लोगों के सामने है, चाहे वो जनसंख्या को लेकर है, चाहे वो पहाड़ी टेरेन को लेकर है, चाहे वो एरियाज को लेकर है, एक अच्छी डिलिमिटेशन हुई है मेरा मानना है। गुप्कार गैंग का हमेशा से यही सोच है कि जम्मू कश्मीर का वातावरण ठीक ना, लेकिन आज की परिस्थितियां और खासतौर पर नरेंद्र भाई मोदी जी का जो नेतृत्व है, खासतौर पर उसके बाद होम मिनिस्टर अमित शाह जी के नेतृत्व में जिस तरीके का एक वातावरण बना है, 370 जाने के बाद, 35 से हटने के बाद एक ऐसा वातावरण इस जम्मू कश्मीर में बना है, आम लोगों को, नौजवान लोगों को लगता है कि इस प्रदेश में जो है वो डेवलपमेंट हो रही है। अटल जी की एक सोच थी, खासतौर पर जब भारतीय जनसंघ के स्थापकों में से एक के रूप में उन्होंने 370 को लेकर, और चाहे वो 1957 में मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद संसद में अपनी 370 को तोड़ने की बात रखी थी, राम मंदिर के निर्माण को लेकर बात रखी थी, आज ये स्वर्णिम युग जो इस वक्त का, आज के दिन की अगर हम लोग बात करते हैं, आज पूरे देशभर में एक ऐसा वातावरण बना, सबका साथ सबका विकास पूरे तरीके से फिट बैठता है, तो अटल जी के समय को लेकर ही फिट बैठता है। उसके साथ देश के प्रधानमंत्री जी ने सबका विश्वास और सबका प्रयास जोड़कर अपने आप में बता दिया है कि आज के नौजवान का प्रयास भी अगर इस देश को आगे ले जाने के लिए समृद्ध होगा तो ये देश भी आगे बढ़ेगा। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें हर एक कार्यकर्ता को, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, उसको यही सिखाया जाता है कि हमारे लिए देश सर्वप्रथम है, उसके बाद मेरी पार्टी है और उसके बाद मैं। जब मैं अपने देश के विषय में सोचूंगा, अपने आप जब देश आगे बढ़ेगा तो पॉलिटिकल पार्टी भी बढ़ेगी, जब मेरी पॉलिटिकल पार्टी बढ़ेगी तो मैं स्वयं आगे बढ़ूंगा। मेरा मानना है कि आज के नौजवान को भी उनके इस उनके जीवन से, उनके खासतौर पर उनके कार्यों से प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हम सब मिलकर देश के उत्थान के लिए काम करेंगे।